हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, आज का जो प्लान का साइज है 14 फीट बाई 30 फीट का, ये प्लान है। 14 फीट इस प्लान का चौड़ाई है और 30 फीट इस प्लान का गहराई है। तो ये साउथ फेसिंग का वन साइड ओपन प्लॉट है। इस प्लॉट का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ है और बाहर में रोड है, 25 फीट चौड़ी रोड है। और यहाँ पर अभी हम रोड पर खड़े हैं, यहाँ से अभी हम अपने घर के अंदर जाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बालकनी डिज़ाइन किया हुआ है, बालकनी प्रोजेक्शन लिखा हुआ है, और इसके ठीक नीचे से हम अपने घर के अंदर जाएंगे। दोस्तों, ये प्लान बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है ताकि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। दोस्तों, तो इस प्लान को अच्छे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आखिर तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं हाउस प्लान से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए पहुंचते हैं अपने घर के अंदर। यहां से हम अपने घर के अंदर जाते हैं। यहां पे बालकनी है। बालकनी क्या है कि हमारे घर के बाहर की तरफ जो ये हमारा जो बालकनी है वो बाहर की तरफ है। यहां पे इसका जो चौड़ाई है 2 फीट 8 इंच है और यहाँ पर 3.5 फीट है। और इसी के ठीक नीचे से हम अपने घर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर 4 फीट चौड़ा यहाँ पर एक दरवाज़ा है, जिससे हम अपने सिटिंग एरिया में जाएंगे। यहाँ पे इस वाली दीवार पे एक विंडो है खिड़की, जिसका साइज है 4 फीट बाई 4 फीट, और जिससे जो रोशनी जो है वो सीधे हमारे गेस्ट रूम में या सिटिंग एरिया में जाएगी। यहाँ पे जो डिज़ाइन किया है, इसका जो साइज है 10 फीट 6 इंच इसका लंबाई है इस सीढ़ी के से लेके यहाँ तक इस दीवार तक, और 9 फीट इसका चौड़ाई है। यहाँ पर मैंने सोफे प्लेस कर रखे हैं और भी चीज़ों को आप इसमें अरेंज कर सकते हैं। दोस्तों, तो इधर से ही हमारी जो सीढ़ी है वो ऊपर की तरफ जा रही है। इधर से हम सीढ़ी से ऊपर की तरफ आके अपने फर्स्ट फ्लोर में आ जाएंगे। 2 फीट 8 इंच इसका चौड़ाई है सीढ़ी का, तो यहाँ से ऊपर आएंगे, ये यहाँ पे आएंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 7 फीट का हाइट। 7 फीट की हाइट के बाद से ये जो सीढ़ी है वो बाहर की तरफ आ जाएगी बालकनी वाले पोर्शन पे, और इधर बालकनी के साथ में ही जो सीढ़ी जो है वो बालकनी पर ही हमारी आएगी यहाँ पर, और ये यहाँ पर आके हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर हमको जगह मिल जाता है 6 फीट 5 इंच का, यहाँ पर हमको जगह मिल जाता है जो कि हमारा लैंडिंग स्पेस होगा, जिस पर हम खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे खड़े होकर अपने फर्स्ट फ्लोर के अंदर जा सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं इसमें जो ट्रेड डिज़ाइन किया है, जिस पर अपना पैर रखेंगे वो 9 इंच का है, और इसमें 7 इंच का जो राइजर इसमें डिज़ाइन किया है। दोस्तों, तो अभी आ जाते हैं इधर से, यहाँ पर आगे जब चलते हैं अपने घर के अंदर, तो यहाँ पर एक पैसेज मिल जाता है। तो पैसेज है जो कि 3 फीट 3 इंच यहाँ पर चौड़ा है पैसेज जो है, इससे ही हम अपने किचन के अंदर जाएंगे। 9 फीट 6 इंच इसका लंबाई है किचन का और 6 फीट 5 इंच इसका चौड़ाई है। यहाँ पे 2 फीट बाई 2.5 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा है, 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का, और जिससे हम अपने किचन के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे गैस का जो स्टोव है वो इस वाले स्लैब पे रखा हुआ है, और यहाँ पे जो पोर्ट वॉश के लिए जो सिंक है वो इस वाले स्लैब पे है। यहाँ पर हमको काफ़ी एक स्पेसियस किचन मिल जाता है। तो अभी अंदर से आ जाते हैं अपने पैसेज से ही, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि हम अपने पैसेज से ही जा सकते हैं इसमें। तो 2.5 फीट बाई 7 फीट का यहाँ पे दरवाज़ा है, और जो पैसेज जो ये कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम का जो लंबाई है 6 फीट 7 इंच है और 3 फीट 6 इंच इसका चौड़ाई है। इस वाली दीवार पर एक वेंटिलेशन डिज़ाइन किया हुआ है 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का, तो जिससे जो भी इसमें बदबू होगा, जो भी स्मेल होगा, वो इस वेंटिलेशन से होते हुए शाफ्ट की तरफ बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर शाफ्ट डिज़ाइन किया हुआ है, 3.5 फीट इसका लंबाई है और 2.5 फीट इसका चौड़ाई है। इस वाली दीवार पे एक विंडो है, विंडो का साइज है 2.5 फीट बाई 4 फीट, जिससे जो किचन के अंदर जो धुआं होगा, जो भी स्मोक होगा, वो इस विंडो के ओपन होने से शाफ्ट से होकर बाहर की तरफ चला जाएगा। शाफ्ट क्या है कि हमारे छत में जब हमारी स्लैब की जब कास्टिंग होगी, तो यहाँ पर इस वाली जगह को हम खाली रखेंगे, यहाँ पर कोई छत नहीं आएगी, यहाँ पर कोई कंक्रीट नहीं पड़ेगा, तो जिससे जो इस वाले जो एरिया में जो लाइट आएगी, जो रोशनी आएगी ओपन रहने की वजह से, वो सीधे विंडो के ओपन होने से हमारे किचन के अंदर आएगी। और यहाँ पे हम छत में हम अपने लोहे की जाली लगा देंगे, जिससे केवल रोशनी आएगी, कोई गिरेगा नहीं इस शाफ्ट के अंदर। तो अभी आ जाते हैं इधर से पैसेज से ही अपने बेडरूम के अंदर। यहाँ पे 3 फीट बाई 7 फीट का एक दरवाज़ा है, जिससे हम अपने बेडरूम के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे बेडरूम का जो साइज़ मिल जाता है हमको, यहाँ पे 13 फीट 2 इंच इसका लंबाई है इस बेडरूम का और 9 फीट इसका चौड़ाई है। तो यहाँ पर 6 फीट बाई 6 फीट का एक बेड प्लेस कर रखा है, और इस शाफ्ट वाली दीवार पर एक विंडो है 2.5 फीट बाई 4 फीट का, जिससे जो रोशनी आएगी शाफ्ट के अंदर, वो इस विंडो के ओपन होने से हमारे बेडरूम के अंदर आएगी। दोस्तों, अभी बात करते हैं इसमें वॉल साइज़ की और कॉलम पोजीशन की। तो ये वन साइड ओपन प्लॉट है, बाकी तीनों साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बाहर की तरफ कोई विंडो या कोई दरवाज़ा नहीं दिखा रखा है, जैसा कि आपने प्लान में देखा। दोस्तों, तो इसमें जो दीवारें हैं वो 5 इंच की डिज़ाइन कर रखी हैं, 5 इंच की जो घर के अंदर की जो दीवारें हैं, और जो कि घर के बाहर की जो दीवारें हैं वो भी 5 इंच की डिज़ाइन कर रखी हैं। ये दीपक जी का ये प्लान है, जो कि उत्तराखंड से हैं।
उनका उनके रिक्वेस्ट पे ये प्लान डिज़ाइन किया है दोस्तों। अगर आपका कोई प्लॉट है जिसका आप नक्शा चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए अभी बात करते हैं कॉलम पोजीशन की। तो यह ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं ये सारे कॉलम्स हैं जिनका साइज़ है 9 इंच बाय 9 इंच। कॉलम मतलब पिलर्स भी बोलते हैं जिनको। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इस प्लॉट में मैंने यहाँ पर 8 कॉलम डिज़ाइन कर रखे हैं जो कि आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं। सारे कॉलम अलाइन है एक दूसरे के आमने सामने, तो इस पर बीम्स आ जाएंगी, इस डायरेक्शन में भी पूरी बीम्स आ जाएगी, यहाँ पे भी बीम्स आ जाएगी। तो बीम का जो साइज़ होगा 9 इंच बाई 12 इंच। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।